राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। मैं यह पूछना चाहती हूँ गुरुजी, हाँ, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि अगर 3 बजे से उठ के तैयारी करने में, गोपाल जी का इसे नहलाने में और सारा तैयारी करने में मुझे 5 बज जाता है दिया जलाने में, तो क्या वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कराएगा पूजा? कहलाएगा कहलाएगा। और ये जो सपने में मुझे सांप दिखाई देता है, फिर वो मेरे घर में भी दिखाई देने लगता है, तो घर के परिवार लोग सारे डर जाते हैं कि क्या बात है, क्यों इतना बहुत सांप का दिखना अच्छा होता है, शुभ है, शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाना, सांप का दिखना बंद हो जाएगा। मैं तो रोज जाती हूँ मंदिर, और मैं सब 3-4 लोग हैं वहाँ पे जेंट्स लोग, सबके साथ मैं पंचामृत से उनका रोज नहलाती धुलाती हूँ। उसके बाद पंचामृत मैया, मैं पीली सरसों बोल रहा हूँ और आप पंचामृत बोल रही हो। अच्छा, वही चढ़ाना है? हाँ वही चढ़ाओ। अब डॉक्टर बोले तुम्हें शहद और तुम पियो दारू। नहीं तो गुरुजी, मेरे पति है ना, ये कहते थे तुम रोज सोचती हो इसलिए तुमको सपने में दिखाई देता है। सपने में सांप का दिखना शुभ होता है। अरे ना, तो हकीकत में घर में दिख जाता है। अच्छा, तो फिर उसे सही बोलो, सपना काहे बोल रही हो? स्वप्न में दिखते तो दूसरे दिन घर में निकल जाते थे। सांप नहीं, गुरु पूर्णिमा को मेरे हस्बैंड ने मार दिए थे, निकल गया था। तो नहीं तो मारना नहीं चाहिए। अब जब से मारे तब से और दिखाई देने लगा है। तो मारना नहीं चाहिए सांपों को, वैसे सांपों की संख्या कम हो गई है, मार मार के सब लोगों ने खत्म कर दिया। किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। सांप बिच्छू तो देखो रहेंगे कहाँ, पृथ्वी सब उन्हीं की तो है। निकले सांप को काल बोला गया है, सांप घर में है तो उसे पकड़वा के दूर कहीं जंगल में भिजवा दो। अरे तो उस समय बोले तो काल घर में आ गया तो मारेंगे उसको, कहाँ पकड़े कहाँ उसको, तो मार दिए। और तभी से ज्यादा घर में निकलने लगा है जब से मारे हैं। अब ना मारना, अब फेंकवा देना वहाँ जंगल की तरफ। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। मुझे एकादशी का व्रत रहना है, कब से रहे? अभी आने वाली है एकादशी, तो रह लेना इसी एकादशी से। और सब लोग बोलते हैं कि कार्तिक माह से ये नया स्टार्ट करना चाहिए एकादशी। हाँ तो करना चाहिए, पर अभी कोई भी एकादशी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये माघ का महीना है, इसमें भी एकादशी शुभ आने वाली है। ओके। कोई भी एकादशी से एकादशी स्टार्ट हो सकती है। ओके गुरु जी, मेरे राधा रानी का नाम बताइए, नामकरण करना है। तो राधा जी का नाम तो राधा ही है। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी प्रश्न था, ये किन्ने लोग घर पे आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। कौन किन्ने लोग घर पे आते हैं पैसे मांगने के लिए? कौन आता है? किन्नर लोग? किन्नर? हाँ किन्नर। उनको 100-5 हज़ार देते नहीं मानते, बोलते 5 हज़ार लेंगे, 10 हज़ार। तो रोज आते हैं क्या? ये कभी कभी बच्चे उच्चे आते हैं। तो बच्चे रोज होते हैं आपके घर में? अब खुशी से देते 5 हज़ार तो नहीं मानते, बोलते 10 हज़ार लेंगे, 20 हज़ार लेंगे। नहीं तो बच्चे आपके घर रोज होते हैं क्या? रोज नहीं होते, शादी ब्याह होते जैसे कि। हाँ तो शादी ब्याह रोज होती है? नहीं नहीं रोज नहीं होता। अरे भाई किन्नरों का धर्म है आपके घर आना। अच्छा, किन्नरों का घर में आना बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है? इसलिए आपके घर में किन्नर आए, बच्चा हो तो उनको बधाई दो, जो आपकी श्रद्धा है वो दो। राधे 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 गुरुजी। जो आपकी श्रद्धा है वो दो, वो ज्यादा मांगे वो उनका धर्म है, पर आप जितना है उतना दो। नहीं गुरुजी, हम तो खुश। और सुनो, किन्नर जब आए हाँ, तो उनका सम्मान करो। अच्छा, हम सबको किन्नरों का सम्मान करना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद बहुत श्रेष्ठ होता है। इसलिए अब वो किन्नर है, ये आज से नहीं, राम जी के टाइम से किन्नर जब बधाई हो, बच्चा हो, शादी हो, तो तब से वो जाते आते हैं। हाँ वो 50 हज़ार मांगते हैं, लाख मांगते हैं, वो उनका मांगना ठीक है, पर आपकी जितनी क्षमता हो उतना दो। और दो आस्था ही रखो उनमें, कभी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हमारे घर क्यों आ गए किन्नर। अब देखो किन्नर कब आता है, जब आपके घर बच्चा होता है, शुभ कार्य होता है, तो भगवान से कहो कि किन्नर आए तो उनसे ये जरूर कहो अगली बार जल्दी आइएगा, क्योंकि वो तब ही आते हैं जब कोई शुभ कार्य होता है। तो आपने उनका निमंत्रण दिया, मतलब शुभ कार्य का निमंत्रण दे दिया। हाँ या ना, उनके आने से शुभ कार्य होगा।
तो आपके घर में शुभ कार्य होते रहने चाहिए। ठीक है राजे। हाँ श्री राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में सादर प्रणाम जी। मैं कोटा से आया हूँ। हाँ। और यहाँ आश्रम पे दो बार आया हूँ। पहली बार आपके दर्शन नहीं हुए थे। मैं आपकी कथा मोबाइल पे इन पे बहुत सुनता हूँ, लेकिन मैं हनुमान जी की बहुत ज्यादा सेवा पूजा करता हूँ जी। और पहले मैंने गुरु जी का, किसी गुरु जी का मैंने नाम भी लिया हुआ है। हाँ। लेकिन अब वो ये प्राइवेट जो गुरु जी होते हैं, आप कहते हो, तो वो जेल में चले गए। हाँ। अब उनके बाद उनसे मेरा संपर्क तो टूट गया और काफी साल हो गए मैं उनके पास गया भी नहीं, उनके आश्रम पे भी नहीं गया। और अब मुझे क्या दूसरे गुरु जी बनाने चाहिए? अभी तक मैंने मेरी आत्मा से केवल हनुमान जी को मेरा गुरु जी बना रखा है और मैं उन्हीं की सेवा पूजा करता हूँ, तो क्या मैं दूसरा गुरु जी के नाम ले सकता हूँ? आपका मन है विद्याहीनम तजेत त्यजेत गुरु। यदि गुरु रास्ता भटक गया है, गुरु यदि सही मार्गदर्शक नहीं है, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। मुझे राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की का त्याग कर दिया, नहीं मानी बात। तो अब अच्छा, मैं यहाँ पे गिरिराज जी की परिक्रमा करने पहले करीबन 2-3 साल तक रेगुलर हर महीने भी आया था। अब आप भी आता हूँ। अब 2 महीने में 4 महीने में मेरा थोड़ा बिजनेस है, मेरा व्यापार है। और खुश रहिए, अच्छा है, भगवान सुखी रखे आपको। मेरे 2 बच्चे हैं, मिसेज है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हम दूसरे गुरु बना सकते हैं क्या? गुरु यदि आपके हैं और सही मंत्र दिया है, सही राह पर है, तब नहीं, तो जो इन्होंने बताया वही है। हाँ, तो फिर हमने बता दिया उनके लिए। चलो इनको बात करो। और किसका प्रश्न है बेटा? आपसे नामकरण लेने के लिए क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए।